शिक्षित करें। सब इसमें आपके प्रजातांत्रिक प्रणाली राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वो विशिष्ट बालकों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। जो उनकी आवश्यकता हो वही हम कर सकते हैं, उस पे ध्यान दे करके हम उनको शिक्षित करें। सामान्य बालक विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है। ऐसे होने पर विशिष्ट बालक की श्रेणी में वो बालक सम्मिलित किया जाता है। औसत शारीरिक वाले एवं स्वस्थ होते हैं। सामान्य बालक क्या होते हैं? स्वस्थ होंगे। उनकी शारीरिक श्रम करने की कार्यशैली क्षमता अलग होगी। किसी भी काम को करने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। वो कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। उनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 आईक्यू बुद्धि लब्धि सीमा के मध्य होती है। सामान्य बालक का बौद्धिक स्तर कितना होता है? 90 से 110। और कक्षा में भी अधिकांश बालक ऐसे होते हैं बालकों की भांति जो वो औसत ही रहते हैं, ना तो वो ऊपर जाएंगे और ना तो वो नीचे जाएंगे, वो नॉर्मल रहेंगे। लेकिन समाज में वो उनकी जो नॉर्मल ये सामान्य बालक से अलग बालक होते हैं विशिष्ट बालक, उनका क्या होता है कि कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को वो पूरा नहीं कर पाते जो एक सामान्य बालक सीखता है। सामाजिक कार्य में रचनात्मक सहयोग सामान्य बालक देंगे, लेकिन जो अपंग बालक हैं वो उस हिसाब से सहयोग नहीं कर पाते हैं और अधिक लाभ उठाने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। इन्हीं कारणों से हम सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को अलग